जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे प्यारे बारके बिहारी जी, एक बात बताऊं, शुरू कब हुआ तुमसे प्रेम ये तो पता नहीं, हाँ पर खत्म सांसों के साथ होगा इसकी गवाही मेरा दिल देता है। और बस अब एक प्रार्थना सुन लो मेरी, तमन्ना पूरी कर दो मेरी, कर दो एक एहसान, जिंदगी बीते आपकी भक्ति में ही, जुबा पर हो बस आप ही का नाम, आपके चरणों में बस जगह हो मेरी, ना देना कभी अभिमान, प्राण निकले हंसते हंसते बस कहते हुए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको भक्तमती श्री विष्णु बाई जी की सत्य घटना बताती हूँ। हमेशा कहती हूँ, भक्तों का जीवन हमें प्रेरणा देने के लिए होता है। जब हम कान्हा के भक्तों को याद करते हैं तो विश्वास रखो कान्हा बहुत प्रसन्न होते हैं। कान्हा ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों के मन की इच्छा सबसे पहले पूरी करता हूँ। इसलिए भक्त माल पढ़ो, सुनो, याद करो और भक्तों के जीवन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। अब आपको परम भक्तमती श्री विष्णु बाई जी का जीवन चरित्र बताती हूँ। आगरा के रहने वाले श्री दयाल दास जी की पुत्री विष्णु बाई जी में भगवान श्री कृष्ण और उनके वृंदावन धाम के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यार भरा हुआ था। ये घटना जब की है, उस समय मुगलों का राज्य था और उनका आगरा में निवास था। इसी से विष्णु बाई जी के पिता दयाल दास जी ने छोटी अवस्था में ही विष्णु का विवाह एक संपन्न घर में करवा दिया। किंतु भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। ससुराल जाने से पहले ही लगभग 14 साल की अवस्था में विष्णु भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। अब रोग क्या था वो सबकी समझ से बाहर था। विष्णु 24 घंटे पागलों की तरह अपने शरीर की सुध बुध भूली रहती, जो मन में आता लोगों को बका करती। लोग उसकी परेशानी को प्रेत बाधा बताते थे। विष्णु की इस बीमारी से विष्णु के पितृकुल और ससुरकुल दोनों ही बहुत दुखी थे। उन्होंने रोग निवारण के लिए अनेक उपाय भी किए पर सब बेकार। सब लोग विष्णु को लेकर निराशा में थे। अब समय की माया कुछ अलग ही होती है। इसे आप विष्णु का सौभाग्य कहो या प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा। हुआ क्या, एक समय गोस्वामी श्री हित रूप लाल जी अपने शिष्य दयाल दास जी के घर पर आ विराजे। वो पूर्व भारत की यात्रा पूर्ण करके वृंदावन लौट रहे थे, तो वृंदावन जाते हुए रास्ते में वो दयाल दास जी के घर पे रुके। श्री महाराज के आगमन से सभी को अपार हर्ष हुआ। विष्णु के पिता को तो पूरी आशा हो गई थी कि श्री महाराज जी की कृपा से अवश्य ही मेरी पुत्री की बीमारी अब ठीक हो जाएगी। ईश्वर इच्छा से हुआ भी ऐसा ही। श्री महाराज से मंत्र सुनकर विष्णु की बीमारी पता नहीं कहां ही चली गई, वो पूर्ण रूप से भली चंगी हो गई। विष्णु शरीर से तो भली चंगी हो गई पर अब उसके मन को एक दूसरा ही रोग लग गया था और वो था प्रभु प्रेम का रोग। श्री गुरुदेव की कृपा और श्री कृष्ण मंत्र को सुनने मात्र से ही विष्णु के मन में श्री कृष्ण प्रेम जाग उठा। विष्णु कृष्ण प्रेम में ऐसी बावली हुई कि उसे लोक परलोक सबकी सुध ही भूल गई। अब विष्णु बड़े ही प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करती और अपने प्राण प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी के महामधुर नामों का जाप करती रहती। उसका सारा समय इन्हीं कामों में लगा रहता। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता ताऊ चाचा चाची सुख सहेलियों से भी मिलना जुलना बोलना बंद कर दिया। और ऐसा भक्तों के साथ अक्सर ही होता है। भक्तों को तन्हाई ही रास आती है, उन्हें लगता है कि वो एकांत में बैठकर अपने कान्हा को ही याद करते रहे। विष्णु के इस व्यवहार से सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि एक तरफ तो वो पागल लड़की थी जो हर समय हर किसी को कुछ ना कुछ बकबक करती रहती थी और अब एक विष्णु का अलग ही
स्वरूप खिलकर बाहर आ रहा था। और जो भक्त होता है ना, उसकी आभा चमक ही एक अलग होती है। उस समय तक अपने प्रिय शिष्य दयाल दास के प्रेम बंधन में बंधे श्री रूपलाल जी महाराज आगरा में उन्हीं के घर पर विराज रहे थे। कई दिनों के बाद एक दिन उन्होंने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज के वृंदावन जाने की बात सुनकर विष्णु तो व्याकुल हो गई, क्योंकि वो भी उनको गुरुदेव ही थे ना, वो उनके भी गुरुदेव ही थे। अब विष्णु को घर संसार दुनिया नरक की तरह दिख रहा था, क्योंकि उसका मन तो सीधा वृंदावन में ही अटका हुआ था। वो किसी तरह भी श्री गुरुदेव के साथ वृंदावन जाना चाहती थी। उसे घर संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ, बेकार, बिल्कुल बकवास लग रही थी। विष्णु ने सोचा कि इस लोक और लोक के सुखों का पूर्ण रूप से त्याग करके ही उसे वृंदावन का वास मिल सकता है। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे सब चीजों का त्याग कर देगी और फिर वृंदावन जरूर जाएगी। उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजी से श्री वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। पर जिस पुत्री को उन्होंने किसी को दान कर दिया था, उसके जाने के संबंध में बेचारे दयाल दास जी कहते भी तो क्या ही कहते। उन्होंने थोड़ी टालाटूली सी कर दी और उसको थोड़ा समझाते हुए बोला कि बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम पर अब किसी दूसरे का अधिकार है। मुझसे वृंदावन जाने के विषय में तुम क्यों पूछ रही हो? मैं भला इसका तुम्हें क्या ही उत्तर दे सकूंगा, तुम ही बताओ। अब पिता की बात सुनकर विष्णु समझ गई कि उनकी इच्छा नहीं है उसे वृंदावन जाने देने की। अब विष्णु को अपने सारे ही संबंधी, माता पिता, भाई बंधु सब प्रत्यक्ष बंधन से दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था रस्सियां हैं जो मुझे बांध रही है। उसने इन सब के त्याग का एक बार फिर से निश्चय किया। अब विष्णु चुपके चुपके अपने वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगी। वो हर समय, हर पल, हर सांस के साथ अपने कान्हा को याद करती और किसी भी तरह वृंदावन जाने के लिए छटपटाती रहती। बहुत बार वो हा वृंदावन, हा वृंदावन कह कह कर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो जाते। विष्णु के वृंदावन के प्रति प्रेम और रोना देखकर माता पिता क्या पड़ोसियों का हृदय भी रोने लगता था। विष्णु वृंदावन जाए या ना जाए, इस गंभीर समस्या का कोई भी सुनिश्चित हल कोई भी नहीं निकाल पा रहा था कि करें तो करें क्या। एक दिन सुबह ही श्री महाराज वृंदावन जाने को तैयार हुए। बाहर देखा तो विष्णु उनसे पहले ही वहां जाने के लिए तैयार बैठी थी। सब लोग विष्णु को समझा बुझा कर श्री महाराज के पास लाए और विष्णु के लिए उचित कर्तव्य की आज्ञा मांगी। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा कि मैं इसका क्या निर्णय दूं, विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो ठाकुर जी ही दे सकते हैं। महाराज के इस आश्वासन से सबको कुछ शांति सी लगी। विष्णु को भी कुछ शांत लगा कि भाई जो भी आज्ञा होगी वो मेरे ठाकुर जी मुझे बता देंगे। अब देखो, प्रेम की जो लीला होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। सुबह ही जाने वाले गुरु जी जा ही ना सके। सब ने श्री महाराज से प्रार्थना की और कृपावश वो फिर से रुक गए। उधर दूसरी तरफ जब विष्णु के ससुर जी ने सुना कि हमारी पुत्र वधु पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो वो उसी दिन विष्णु को लिवा ले जाने के लिए उसके पियर में पहुंच गए। किंतु यहाँ विष्णु तो अपनी दूसरी ही ससुराल अपने प्रियतम के देश में जाने को तैयार बैठी थी। घर वाले, पड़ोस के सब लोग उसे समझा रहे थे, पर वो किसी की एक नहीं सुन रही थी। उसके मुख पर तो एक ही बात थी, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी। विष्णु के ससुर ने चाहा कि श्री महाराज विष्णु को अपनी आज्ञा से रोक दे। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना भी की, किंतु महाराज जी अच्छी तरह ये बात जानते थे कि अगर मैं आज्ञा दूंगा तो विष्णु मेरी आज्ञा से अपने शरीर को तो अवश्य रोक लेगी, पर उसके प्राण ना रुकेंगे और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ देंगे और वृंदावन चले जाएंगे। यही सोचकर गुरुजी ने अपनी ओर से कोई आज्ञा नहीं दी और जो पहले बोला था उसी वाक्य को वापस दोहरा दिया कि भाई मैं क्या ही आज्ञा दूं, विष्णु के लिए उचित आज्ञा तो ठाकुर जी ही दे सकते हैं। सब लोगों की इच्छा थी विष्णु वृंदावन ना जाए, पर हमारे ठाकुर जी इसके विरुद्ध ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक लीला रची
और विश्वास रखना, मेरे ठाकुर की जो लीला होती है वो सिर्फ भक्त के प्रेम के लिए तो होती ही है, पर भक्त का प्रभाव दुनिया को बताने के लिए भी होती है। हुआ क्या, दूसरे दिन सुबह ही विष्णु रासवला हो गए। विष्णु रासवला क्या हो गई, उस पर तो मानो पहाड़ ही टूट गया। उसे ऐसी पीड़ा हुई जैसे उसके प्राण निकल जाने के समय होती होगी वैसी। वो रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उन्हें बुला रही थी और बोल रही थी, मेरे प्यारे क्यों मुझे इतना तरसा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे वृंदावन जाने के लायक नहीं हूं, अब कैसे आ सकूंगी तुम ही बताओ, जब तुम ही मुझसे रूठ गए हो सांवरे तो मैं वृंदावन कैसे ही जाऊंगी। श्री महाराज वृंदावन चले जाएंगे और मैं यही इस दुनिया में, इस माया में, इस कलयुग में रह जाऊंगी। दूसरी तरफ सब लोग बैठे विष्णु के वृंदावन जाने और ना जाने की समस्या पे विचार कर रहे थे कि अचानक ही सबके बीच से होते हुए एक ज्योति विष्णु के कमरे में प्रवेश कर गई। तब तक विष्णु के पिता ने पूजा घर से आकर एक बड़े ही आश्चर्य की बात सबको बोली और कहा, श्री ठाकुर जी अपनी शैया से उड़कर जाने कहां ही चले गए हैं। दयाल दास जी की बात सुनकर सब लोग भौचक्के से इधर उधर देख रहे हैं। कुछ तो ठाकुर जी की खोज भी करने लगे कि तो ठाकुर जी कहीं बाहर थोड़े ना गए थे, वो तो अपनी भक्त विष्णु के विरह से व्याकुल होकर उसकी गोद में जा बैठे थे। अपने प्रभु का इस पतित दशा में, क्योंकि विष्णु रास वाला थी और उस दशा में ठाकुर जी उसकी गोद में आके बैठ गए थे, अपने प्रभु को इस पतित दशा में अपनी गोद में आया देखकर विष्णु उनके पतित पावन और भक्त वत्सलता पर मंत्रमुग्ध हो गए। विष्णु की गोद में ठाकुर जी को आया देखकर सबने अपने आप ही निर्णय दे दिया कि विष्णु जरूर ही वृंदावन जाएगी और यही ठाकुर जी की इच्छा है। फिर तो सबने बड़े प्रेम से विष्णु के वृंदावन जाने की तैयारी की और रजो धर्म के 4 दिन पूरे होने के बाद 5वें दिन विष्णु आनंद पूर्वक अपने गुरुदेव के साथ वृंदावन चली गई। वृंदावन के दर्शन करके उसका, जैसे नहीं होता धूप में तपा हुआ जगह हो और उसके ऊपर पानी की छींटे पड़ी, ऐसे ही उसके हृदय को आनंद हुआ और प्रेम से वो थिरक उठा। वृंदावन में वास करके विष्णु निरंतर भजन और श्री गुरु चरणों की सेवा में ही लगी रहती। उसके जीवन के अब मैं कुछ एक बड़े अद्भुत प्रसंग बताती हूँ जिससे उनका और कान्हा की प्रेम लीला का पता चलेगा। अब हुआ क्या, विष्णु अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करती थी, साथ ही मानसिक पूजा सेवा और आराधना भी किया करती थी। एक बार विष्णु ने मानसिक पूजा में अपने ठाकुर जी को मिश्री का भोग लगाया और साथ ही मानसिक प्रसाद भी ले लिया था जो उसके मुख में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। मतलब समझो विष्णु ने मानसिक रूप से मन में ठाकुर जी को भोग लगाया और वही प्रसाद मन में ही खुद के मुंह में रखा और वह प्रसाद सचमुच उसके मुख में आ गया। मतलब उसकी मानसिक सेवा सिद्ध हो चुकी थी। उसकी एक सहेली लीला बाई ने जब ये देखा तो वो जबरन विष्णु के मुख से मिश्री छीन कर सबको दिखाने लगी। इस अपराध से वो पागल हो गए। पीछे श्री रूप लाल जी महाराज की कृपा और विष्णु के अपराध क्षमा करने से वो स्वस्थ हुई। एक और प्रसंग बताती हूँ। एक बार विष्णु भावना में तल्लीन होकर शरीर की सुध-बुध भूल गई और बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी। 3 पहर तक वो यूं ही बेहोश पड़ी रही। फिर अचानक ऐसे उठी जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे कहीं एक खरोच भी नहीं थी, जबकि जितने ऊंचे से वो गिरी थी मरना भी हो सकता था, पर हाथ पैर टूटना तो निश्चित ही था, पर उसको एक खरोच तक नहीं लगी। इस तरह प्रभु प्रेम में मुक्त रहते हुए श्री विष्णु बाई जी ने श्री वृंदावन धाम में 17 साल निवास किया। इसके बाद संवत 1785 विक्रम में वो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। धन्य है भगवान और उनके प्यारे भक्त। इस सच्ची कहानी से 2 बातें सिद्ध होती है। एक तो ये कि जब प्रभु के लिए हमारा समर्पण पूर्ण भाव से होता है, प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे, अपनी हाइट पर होता है, प्रभु से मिलने की हमारी इच्छा पक्की होती है, दृढ़ होती है, तो प्रभु भी स्वयं को रोक नहीं पाते और हमसे आपके मिल ही लेते हैं। जैसा कि हमने सुन भी रखा है कि वो बड़े भक्त वत्सल हैं।
स्वयं ही दौड़े चले आते हैं अपने भक्त की करुण पुकार पर। और ऐसा ही हुआ, वो अपना स्थान छोड़कर स्वयं विष्णु बाई जी की गोद में आकर उनके प्रेम के वशीभूत होकर बैठ गए थे। देखा था आपने, है ना। दूसरी चीज ये कि भाव के अनुरूप ही वो हमारा अनुग्रह स्वीकार करते हैं, पवित्रता या अपवित्रता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हमेशा कहती हूं, प्रभु को सिर्फ अपना प्रेम और भाव चाहिए। अंत में एक बात बताऊं, मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं, कृपा है मेरे बांके बिहारी जी की, वरना उसी राह पर लाखों लोग फिसलते गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के प्रेम और मेरे कान्हा की करुणा भरी सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, प्रभु पर प्रेम और विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।